मैं तो ऐसे क्या सोच रहा हूँ। आजाओ आजाओ। All right, I'm ready. खा नहीं पाया ना। अभिषेक, इस राउंड में किसको कौन सी ड्यूटी दी है? बिग बॉस इस राउंड में अविनाश रिसेप्शनिस्ट है, शेफ हमारे पास दो है, मनीषा और बेबिका, बाकी सारे हाउसकीपिंग में है। यू मुझे भी फील आता है। There's a lot of energy outside. I can feel it. Yeah. Yeah. Oh my God. कैसे बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, बिल्कुल दोनों भाई जैसे लगते हो। मैंने आपके सीरियल्स देखे हैं, आज फेस टू फेस मिल रही हूँ आपसे। सॉरी थोड़ा छोटा है ना बेटा मेरा कभी कभी थोड़ी नादानी कर देता है, लेकिन बड़ा भाई समझ के। नहीं नहीं बिल्कुल 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 बिल्कुल, भाई की तरह संभाला इसको। जी जी मतलब बहुत ज्यादा वो थी कि कैसे रहेगा ये, लेकिन आप लोगों ने सबने बहुत प्यार दिया इसको। आओ आइए, बिग बॉस के घर में स्वागत है आपका। ओ मनीषा रानी, आप तो मुझे लगा इसकी दीदी आ गई। कोई बड़ी दीदी, आप किसी एंगल से आंटी लग ही नहीं रहे, आप तो इसकी बड़ी बहन लग रहे हैं। हॉट एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू, दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, सेम टू यू। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एलविश कैसा बेटा? बहुत बढ़िया, आप क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा तुम दोनों को देख के। ठीक हो ना? हाँ जी। मेरे को थोड़ा वो लगा, इमोशनल आप हो गए थे उस दिन मम्मी को देख के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ ना।
हाय जिया, कैसे हो? बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप. थैंक यू. सेम हियर. मैं बोल दिया मैं वेरी वन. पूजा जी, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. आपकी मूवीज देखी है हमने और कभी मतलब ऐसे कर सोचा नहीं था फेस टू फेस मिलेंगे. हमारे बहुत झगड़े होते थे फिर प्यार हो गया फिर हमारे बीच. वो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है थोड़ा. जहाँ प्यार होता है वहाँ लड़ाई भी होती है. फिर क्या हो गया? हाँ, मगर इसको मैं फिर ग्रीन एप्पल इसको ही देखती हूँ. छोटा है, बहुत छोटा है, इसको आप डांट भी सकते हो. नहीं नहीं, मैं उसको बोलती रहती हूँ जब भी वो वल्नरेबल होता है और वो जो छोटा सा लिटिल बॉय मैं देखती हूँ कितना. कल ही बोल रही थी ऐसे, तब मुझे पसंद आता है ये. And I see the vulnerable, sensitive side in him. छोटा है ना मेरा बेटा, सबसे छोटा है, थोड़ा नॉटी है, कभी कभी कर जाता है थोड़ी. मगर आपने देखा कि सब्जी का क्या क्या खा रहा है यहाँ पे. सच में बहुत कुछ. बर्तन साफ. मैं बिग बॉस का थैंक यू करना चाहती हूँ कि ये बर्तन भी साफ कर रहा है. जो बच्चा प्लेट भी नहीं उठाता था वो सारा काम कर रहा है और बहुत पतला हो गया सच में. बेबिका से मिलो. बेबिका बहुत अच्छा लग रहा है. आप दोनों की नोक झोक जो है ना सबको पसंद आ रही है. बहुत अच्छा लग रहा है. इनका बहुत यूनिक रिलेशनशिप है. मैं उनको बोलती हूँ मैग्नेट की तरह है दोनों. कितना भी दूर कर लो वो दे कांट हेल्प इट. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत बहुत बड़ी बात बोल दिया. जैद जैद नमस्ते. यू मेक माय सन सो फिट. That's the point. Regular exercise and I do my best. I lost some weight around his area here, and he's proud of it. Lord, he's trying to show up every day to the gym. So I want him to continue. But you take my job, huh? Take my job when he leaves here. Take my job. Insist on him every day. Please insist on him every day. Okay? He's 26 and he can do better. मैंने बोला चलो अभी चलो. काफी दिनों से नहीं कर रहा था तो मेरे को ही लगा कुछ ज्यादा वेट लॉस कर लिया शायद, इसलिए अब छोड़ दिया इसने. आइए मैनेजर साहब पहले राउंड दीजिए. अभिषेक की माता जी डिंपल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं. थैंक यू बिग बॉस. बिग बॉस आप सभी को ये भी बताना चाहते हैं कि डिंपल जी आज ओवरनाइट बीबी होटल में ही रहेंगी. और बिग बॉस के आदेश पर कल सुबह घर से विदा लेंगी. थैंक यू बिग बॉस. थैंक यू व्लॉगर. व्लॉगर होने के फायदे उठा रहे हो. आ जाओ. ओके, नो नीड टू शो दैट प्लेस देन. ऑफ कोर्स ग्रैंड टूर दीजिए. हां जी. और उनको चुनने दीजिए कहाँ पे सोएंगे आप. आई कैन गिव यू माई बेड या आप उनके साथ. आई कैन आप यहाँ पे सो सकते हैं वरना उनके साथ आप शेयर कर लीजिए. मैं अभिषेक के साथ सोऊंगी ना आज. ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कैसे करूं मैं. यू आर स्ट्रॉन्ग. लिसन, अभी आपको पता आप हग वग नहीं करते पर कीजिए तुम. ठीक है, नॉर्मल अपने इमोशन बचा के रखिए. यस, इतने दिन 45 प्लस 7 52 डेज हो गए. तो बहुत अच्छा कर रहा है यार. क्यों रो रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है. सबको अच्छा लग रहा है. बहुत प्यार सब याद कर रहे हैं तेरे को. सब याद कर रहे हैं. देखो मैं रात रहने आई हूँ तेरे पास. जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा. फीवर है क्या तेरे को? लग रहा है मुझे है. अरे बहुत गर्म है. अब चेक करें.
नहीं है मम्मी, नहीं है। आप क्या रहने आ गए? मैं निकलने को भग रहा हूँ, आप रहने आ गए। पापा कैसे? बहुत याद करते हैं नानू, बहुत याद करते हैं। कहता निकाल लो उसको वहां से, बहुत याद कर रहे हैं सब। इतने दिन निकल गए, वो कहते हैं ना हाथी निकल गया, पूछ रहेगी 15 दिन की बात है। और जितना ब्रेव तू है और ब्रेव बन के रहे, 15 दिन की तो बात है, वो क्या बस। बहुत याद आती है, बहुत ज्यादा याद तो आएगी। अननोन लोगों के बीच में इतने दिन रहना कोई आसान बात नहीं।